पोखरे में डीएवी इंटर के छात्र को अगवा कर हत्या करने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। छात्र राजद के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने शहर में जुलूस निकालकर ट्रैफिक चौक पर एनएच 31 पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला जलाया। कार्यकर्ताओं की मांग है कि सिंघौल थाना क्षेत्र के विनोदपुर गांव से 26 अगस्त को छात्र ऋतुराज अपने घर से निकला, जिसके बाद वह वापस नहीं आया। परिजनों ने अपहरण की प्राथमिकी भी दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने कोई तत्परता नहीं दिखाई, जिसका नतीजा ऋतुराज की हत्या कर शव को हाथरस थाना क्षेत्र के ओटा गांव के नजदीक पानी के गड्ढे में फेंक दिया गया। 30 अगस्त को पुलिस ने उसका शव बरामद किया। छात्र राजद के कार्यकर्ताओं ने छात्र की हत्या के आरोपी की अविलंब गिरफ्तारी, आरोपी को फांसी की सजा देने के साथ साथ मृतक परिवार को मुआवजे की मांग की है, जिसको लेकर राजद कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूंका है। बिहार के लिए बेगूसराय से रविशंकर जन की रिपोर्ट। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, डीएवी के छात्र ऋतुराज की किडनैपिंग करके 10 दिन पहले किडनैप किया गया, उसके बाद मार करके मोकामा टाल में फेंक दिया गया, लेकिन तब तक प्रशासन हाथ पे हाथ रख करके सोई हुई थी। अगर प्रशासन चाहती तो आज हम लोग ऋतुराज को नहीं खो पाते। मैं नीतीश कुमार से मांग करता हूँ, बेगूसराय प्रशासन से मांग करता हूँ कि अविलंब ऋतुराज के हत्यारे को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए और उसे जल्द से जल्द फांसी दिया जाए। और सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दे करके न्याय दिलाने का काम करें। माननीय बिहार के मुख्यमंत्री का पुतला दहन, हम लोग रोड पर उतरने का काम किए और पुतला दहन